वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कर रहे हैं हमारा मराठी लेसन वाराणसी गाने। चला शुरू करूया। सबसे पहले हम गाएंगे हमारी ये प्यारी सी कविता। गाणी गप्पा गोष्टींचा सोमवार आमच्या आवडीचा, कृतीतून परिसर शिकण्याचा मंगळवार असे निरीक्षणाचा। कागद माती विविध रंग, बुधवारी आम्ही त्यातच तंग, भाषणासाठी जितू उभा गुरुवारी जमली बालसभा। पाने फुले जंगल सफरी सहलीला जाऊ शुक्रवारी, खेळण्यात आनंद वाटी भारी कवायत आमची शनिवारी। शाळेला सुट्टी रविवारी, मित्र येती खेळायला घरी, मित्र येती खेळायला घरी। वारांची नावे ऐका म्हणा। अब हमने जो गाना गाया था उसमें हमने क्या सुना था बच्चों? हमने जो डेज ऑफ द वीक होते हैं, जो दिन होते हैं, हमने उनके नाम सुने थे। और वो क्या थे? सोमवार, यानी हम इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं मंडे। हिंदी में भी सोमवार कहते हैं और उर्दू में पीर कहते हैं। नेक्स्ट कौन सा दिन हमने सुना? मंगलवार। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? ट्यूसडे। हिंदी में भी मंगलवार कहते हैं, सिर्फ यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ल है और मराठी में ळ होता है और उर्दू में इसे मंगल कहते हैं। नेक्स्ट है बुधवार। बुधवार को इंग्लिश में वेंसडे कहते हैं और हिंदी में भी बुधवार और उर्दू में बुध। नेक्स्ट है गुरुवार, जिसे इंग्लिश में थर्सडे कहते हैं और हिंदी में गुरुवार, और इसे बृहस्पतिवार भी कहते हैं हिंदी में और उर्दू में कहते हैं जुमेरात। नेक्स्ट है शुक्रवार, विच इज फ्राइडे, एंड हिंदी इट इज सेम और उर्दू में इसे कहते हैं जुमा। देन नेक्स्ट वी हैव शनिवार, जिसे इंग्लिश में सैटरडे कहते हैं, हिंदी में शनिवार कहते हैं और उर्दू में कहते हैं हफ्ते का दिन। एंड नेक्स्ट वी हैव रविवार, विच इज संडे, इन हिंदी अगेन इट इज रविवार एंड इन उर्दू इट इज कॉल्ड इतवार। अब आगे की क्वेश्चंस देखने से पहले हम हमारी कविता को, हमारी पोयम को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था? सोमवार के बारे में देखा था। गाणी गप्पा गोष्टींचा सोमवार आमच्या आवडीचा। गाणी यानी सॉन्ग, गप्पा गोष्टी यानी चिटचैट करना, गपशप करना, आवडीचा आवड, आवड यानी लाइक, इंटरेस्ट, आपकी पसंदीदा चीज। तो मंडे को बच्चे क्या करते हैं? मंडे को बच्चे छुट्टी के बाद आते हैं स्कूल, तो उनके पास एक दूसरे के साथ बातें करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो गपशप करते हैं, चिटचैट करते हैं, गाने गाते हैं और जो दिन की शुरुआत है वो खुशी से करते हैं। इसलिए जो मंडे का दिन है, जो सोमवार का दिन है, बच्चों का पसंदीदा दिन है, त्यांचा आवडीचा दिवस आहे। आता दूसरा दिवस पाहूया, मंगळवार। मंगळवार के दिन क्या होता है? कृतीतून परिसर शिकण्याचा मंगळवार असे निरीक्षणाचा। कृती यानी एक्टिविटी करना, कुछ एक्शन करना। परिसर यानी लोकैलिटी, यानी जो हमारे आसपास की चीजें हैं वो। और निरीक्षण, निरीक्षण करना यानी ऑब्जर्व करना, देखना, परखना, जानना। तो मंगलवार के दिन बच्चे क्या करते हैं? एक्टिविटीज करते हैं। हम किताबों में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में देखते हैं, लेकिन हमें रियल लाइफ में भी उनके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। तो जो हमारे आसपास हैं, हमारे जो साइंस लैब होती है उसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं यानी निरीक्षण करते हैं। तो ट्यूसडे का दिन जो है इन सारी चीजों के लिए है। और वेंसडे का दिन, बुधवार का दिन, इस दिन बच्चे क्या करते हैं?
कागदमाती विविध रंग, बुधवारी आम्ही त्यातच तंग। कागद यानी कागज, मिट्टी, क्ले वगैरह और अलग अलग रंग, विविध यानी डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, इनका इस्तेमाल करके बच्चे क्या करते हैं, कलाकारी करते हैं, फनकारी करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट जिसे हम कहते हैं। और बुधवार के दिन बच्चे उसी में बहुत बिजी रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं वो उसमें खो जाते हैं। तो वेंसडे का दिन क्या है, आर्ट्स का दिन है, कलाकारी का दिन है। Now which is our next day? It is Thursday, which is called गुरुवार। Thursday के दिन क्या होता है, भाषणासाठी जितु उभा, गुरुवारी जमली बाल सभा। तो Thursday के दिन बच्चों क्या होता है, भाषण होता है, स्पीच होता है। तो जो बच्चे हैं वो स्पीच देते हैं और उनका कोई भी एक टॉपिक होता है जिसके बारे में वो सबके सामने बात करते हैं। बाल सभा यानी असेंबली, हमारे जो स्कूल है उसमें असेंबली होती है और अलग अलग इम्पोर्टेंट बातें की जाती है और भाषण दिए जाते हैं। आता अपन पाहूया पुढचा दिवस यानी फ्राइडे, शुक्रवार। शुक्रवार को क्या होता है, पाने फूले जंगल सफरी, सहलीला जाओ शुक्रवारी। सफरी यानी ट्रिप करना, ट्रैवलिंग करना। तो फ्राइडे के दिन बच्चे क्या करते हैं, जो हमारे आसपास का जो नेचर है, जैसे जंगल है, पार्क है वगैरह, वहाँ जाते हैं। वहाँ जाके क्या सीखते हैं, पाने फूले यानी पत्ते फूल, इनके बारे में वो सीखते हैं, नेचर का मज़ा लेते हैं। सहलीला जाओ शुक्रवारी, सहल यानी पिकनिक। तो ऐसी जगह जाते हैं, गार्डन वगैरह में जाते हैं और पिकनिक मनाते हैं और दे हैव लॉट ऑफ फन ऑन फ्राइडे। अब अगला दिन है शनिवार, सैटरडे। सैटरडे को क्या होता है, खेलण्यात आनंद वाटे भारी, कवायत आमची शनिवारी। यहाँ पर भारी का मतलब हैवी नहीं है, बच्चे क्या कह रहे हैं, खेलण्यात आनंद वाटे भारी, यानी हम खेल कूद करते हैं और हमें बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर भारी का मतलब होता है अ लॉट, बहुत, हैवी नहीं। ओके, कवायत आमची शनिवारी। और शनिवारी के दिन क्या करते हैं खेल कूद के अलावा, वो एक्सरसाइज करते हैं, ड्रिल करते हैं, जिसे हम पीटी एक्सरसाइजेस कहते हैं। तो जो शनिवार का दिन है वो किसका दिन है, एक्सरसाइज करने का दिन है, फिजिकल एक्टिविटी करने का दिन है। तो कवायत यानी ड्रिल या एक्सरसाइज। एंड दिस इज आवर लास्ट डे, दैट इज संडे। संडे के दिन क्या होता है बच्चों, शाळेला सुट्टी रविवारी, मित्र येति खेळायला घरी, कि संडे को छुट्टी होती है हमारी और हमारे दोस्त हमारे घर खेलने आते हैं। तो संडे क्या है, छुट्टी का दिन है। आता आपण हे प्रश्न पाहूया, गुरुवारच्या आधीचा व नंतरचा वार कोणता, यानी थर्सडे के पहले कौन सा दिन आता है और उसके बाद कौन सा दिन आता है। आंसर है, गुरुवारच्या आधीचा दिवस बुधवार आणि गुरुवारच्या नंतरचा दिवस शुक्रवार असतो। प्रत्येक नावाच्या शेवटी कोणता उच्चार येतो ते सांगा। प्रत्येक नावाच्या शेवटी वार असा उच्चार येतो। मराठी दिनदर्शिकेवर वारांची नावे दाखवा, वाचा। दिनदर्शिका मतलब कैलेंडर। तो कैलेंडर पर जो है हमें दिनों के नाम देखने हैं और पढ़ने हैं। जैसे इस कैलेंडर को अगर हम बड़ा करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर र लिखा है और उसके नीचे उसका जो दिन है वो लिखा है रविवार। तो र किसके लिए है, रविवार के लिए। इसी तरह नीचे देखिए सो किस दिन के लिए है, सोमवार के लिए। तो इसी तरह और दूसरे दिन भी हम देख सकते हैं। पांच अक्षरी वाराचे नाव सांगा, कौन सा दिन है जिसमें पांच अक्षर आते हैं, मंगलवार आणि शुक्रवार। शाळेतील तुमच्या आवडीचा तास कोणत्या विषयाचा, तो का आवडतो ते सांगा। स्कूल में आपको कौन सा पीरियड सबसे अच्छा लगता है, कौन से सब्जेक्ट का वो आपको क्यों पसंद है वो बताइए। मला विज्ञानाचा तास आवडतो कारण आम्हाला प्रयोग करून शिकायला मिळते आणि मला ते करायला आवडते।
तो मेरा फेवरेट पीरियड कौन सा है, कौन से सब्जेक्ट का है, वो है साइंस का, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट्स करना अच्छा लगता है। आशा करते मुलानो तुम्हाला हा वीडियो आवडला। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।